अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जी, हमें आज ज्वाइन किया है कमर चीमा साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सब उनको जानते हैं। और बहुत शुक्रिया चीमा साहब कि आज आपने ज्वाइन किया है। मैं आपका बायोडाटा लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगी, सब आपको पहले से ही जानते हैं लोग। तो बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। मुझे सबसे पहले चीमा साहब ये बताइए कि लाहौर ब्लास्ट हुआ और उसके ऊपर कई तरह की बातें सामने आई हमारे। कई लोगों ने कहा कि जी हाफिज सईद के घर के बाहर ब्लास्ट हुआ है, कई लोगों ने कहा हाफिज सईद वहां मौजूद था, किसी ने कहा नहीं था, किसी ने कहा उसके घर वाले थे। एक और अभी इस तरह की मैंने सुनी रिपोर्ट आई और वीडियोस भी कुछ लोगों ने बनाई और बात की, न्यूज़पेपर में भी आया कि उसकी फैमिली वहां रहती है हाफिज सईद की जहां पे ब्लास्ट हुआ, और वहां पे उस स्ट्रीट में कोई आम आदमी आ जा नहीं सकता, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहां रहते हैं। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि ये दोबारा से क्या फिर कोई सीरीज शुरू होने लगी है इस तरह के वाकयात की, जो पाकिस्तान में कहा जाता है कि अब पहले हुआ करते थे, इधर ब्लास्ट हो गया उधर ब्लास्ट हो गया, इस तरह की चीजों को, या ये कि आप समझते हैं इत्तेफाक था, कोई मतलब प्लान नहीं था, कोई वैसे ही किसी की जाति दुश्मनी हो सकती है, या कुछ और लग रहा है आपको? देखें, ऑब्वियसली ये कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है, ये एक बड़ा प्लान्ड किस्म का वाकया था। इसमें एक अमेरिकी शहरी तो अभी तक पकड़ा जा चुका है, यहाँ पे पाकिस्तान में ही था वो, और वो दुबई कराची लाहौर काफी सुना ट्रैवल करता रहा है, लेकिन अभी चीजें अनफोल्ड हो रही है, पता चलेगा। दूसरी अहम बात जो चीज समझने की है, देखिए हाफिज सईद की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। हाफिज सईद इज अ लायबिलिटी फॉर पाकिस्तान, और मैं तो इसको बहुत देर से कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी इनके कोर्ट्स के केसेस रिजॉल्व हों, चीजें क्लियर हों, ताकि पाकिस्तान जो है वो अपना एक क्लियर कट इमेज जो है वो दुनिया को पता चले, और जो एट टाइम्स क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं FATF इधर उधर, वो सारे ठीक हों। अब जाके आती है बात, वहां कौन था? ऑब्वियसली उसकी फैमिली रह रही थी और हाफिज सईद की रेजिडेंस थी, और हुकूमत तो कहती है कि वो जारी बात है नजरबंद है। तो अब ये अगर वेयर अबाउट्स प्रॉपरली जारी किए जाएं कि वो कहाँ नजरबंद है, सुनने में ये आता है कि शायद वो कोर्ट लखपत जेल में नजरबंद है। दिस इज व्हाट वी हेयर फ्रॉम द रिसोर्सेज जो हमें बताई जाती है। अब देखना यह है कि हाफिज सईद को ये कौन मारना चाह रहा था, क्या मारना चाह रहा था, लेकिन इसके पीछे एक थोड़ा सा आपको पता चलेगा अगर आप इसको थोड़ा अनफोल्ड करें। फरवरी में जब FATF का इजलास हुआ था, तो उस इजलास में तीन पॉइंट्स उन्होंने कहे थे कि पाकिस्तान के जो तीन पॉइंट्स विच आर नॉट सफिशिएंट, ठीक है जी। पहला पॉइंट क्या है, उन्होंने कहा था प्रोसिक्यूशन प्रॉपर नहीं हो रही, प्रोसिक्यूशन जो लोग केसेस जिनके ऊपर कोर्ट्स के ऊपर केसेस हैं वो प्रॉपरली नहीं हो रहे। एक चीज बड़ी अहम है जो मैं समझता हूँ, जो कि बड़ी रेलिवेंट थी और वो पाकिस्तान के सर के ऊपर तलवार लटक रही थी और वो लटकती रहनी थी, और वो UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन थे 1267 1373, बार बार जिक्र करता हूँ मैं, जो अमरीका ने और UN सिक्योरिटी काउंसिल ने लगा दिए। अब वो जाके वो कभी भी वो इन्वोक हो सकते हैं, वो ये नहीं कि आज की बात है, वो आज से 10 साल बाद भी, देखिए किसी थाने में आपके खिलाफ पर्चा हुआ हो ना, FIR दर्ज हुई, तो कभी भी आपको थाने वाले बुला सकते हैं। तो दैट वाज द केस विद द हाफिज सईद एंड ऑल दिस, लेकिन वो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो अभी चीजें फिर वो दोबारा उन्होंने FATF में उन्होंने पकड़ लिया। अब पाकिस्तान ने उसको जेल शेल में डाला, और ऑब्वियसली एक पर्सपेक्टिव तो ये आता है जी कि FATF के लिए डाला है, वैसे कोई दिल नहीं था। दूसरा है कि नहीं, हाँ जी वो बस जरूरी है, करना चाहिए था, लेकिन मुझे ऑब्वियसली ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज्यादा, और प्रॉपरली वो जो एक डिस्कशन है कि इनको सजा देनी चाहिए या इस तरह की चीजें करनी चाहिए, उस सेंस में नहीं हो रहा। दिस इज मोर ऑफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये केस लग रहा है इनके ऊपर, जारी बात है करना पड़ेगा, ये क्या किया जाए। अब ये एक और चीज भी आप देखिएगा कि जैसे ये इजलास हो रहा था FATF का, तो DW की एक वीडियो रिलीज हुई, डॉक्यूमेंट्री थोड़े दिन पहले, उसमें सारा LAT हाफिज सईद और ये दीजिए यहाँ से जो लोग हैं वो यूरोप जा रहे हैं। अच्छा, मिडल ईस्ट से बहुत ज्यादा अनरेस्ट हुई, वहां से सीरिया से लीबिया से इराक से लोग यमन से निकले और शाम पहुंच गए, यूरोप पहुंच गए, लेकिन उस वीडियो में ये लिंक किया गया कि हाफिज सईद के या इस जमात के लोग जो है वो यूरोप पहुंचे हैं।
तो ये वो जो इंडिया का एक प्लान है कि जी पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाए, कुछ हमारी कोताहियां गलतियां कसूर भी हैं और कुछ जारी बात है, कुछ ऑन ग्राउंड हकीकत भी है, हम चीजों को मैनेज नहीं कर सके और कुछ जारी बात है, फिर वो उन्होंने फायदा तो उठाना है इन चीजों का, तो वो प्रॉपर एक एनवायरनमेंट बनाया गया और ग्लोबली हमारा इमेज तो इसी तरह का बना हुआ है। हमने चेंज करने की कोशिश की लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है फिर इमरान खान साहब बयान दे देते हैं, उसामा बिन लादेन शहीद है, थोड़ा सा चेंज होता है शाहमूद कुरैशी साहब खामोश हो जाते हैं, तो इस तरह की चीजें तो आरजू साहिबा ये हैं। उसके साथ ये लाहौर वाला ब्लास्ट, DW की वीडियो, फिर FATF का इजलास, तो आई फाइंड आउट समहाउ ये कहीं ना कहीं लिंक मौजूद है। ये बगैर लिंक के इतनी कोहेरेंस के साथ चीजें नहीं आती। जब से पाकिस्तान ने इंडिया को एक्सपोज किया था उस पर, अगर आपको याद हो पाकिस्तान ने क्या एक्सपोज किया था, वो जो EU डिसइंफॉर्म लैब ने इंडिया को एक्सपोज किया कि जी इतने टीवी स्टेशंस हैं, इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, डोमेन्स हैं और लगे हुए हैं, तो इंडिया सोच रहा था कि हम भी कुछ करें इस तरह का, हमारा नेटवर्क तो एक्सपोज हो गया, तो उन्होंने भी फिर इस तरह की चीजें करने की कोशिश की, जो जिसमें खासकर DW की ये जो वीडियो है उसमें ऑब्वियसली कुछ हकीकत भी होगी और कुछ फैब्रिकेटेड भी है उसमें, क्योंकि इंडिया के एनालिस्ट भी हमने देखे हैं उस वीडियो में, मुझे उनका नाम भूल जाता है बार बार, इज बेस्ड समवेयर इन यूरोप, वो जो चैनल बार बार उस वीडियो में आता है, सो दैट्स हाउ इट इज लाइक। सीमा साहब, 3-4 दिन पहले एक न्यूज ये भी चली थी और काफी बड़े जर्नलिस्ट जो हैं उनके जरिए भी पता चला कि फौज के अंदर जो है वो कुछ इस तरह का कोई ग्रुप पकड़ा गया था जो कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर अटैक करने की सोच रहा था, और उसके बाद तकरीबन 14 लोग जो हैं उनको अरेस्ट करके अटक जेल में रखा गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उनके ऊपर कोई रीजन या कोई किस चीज के ऊपर इन्हें बंद किया है या अरेस्ट किया है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन ये बात चली थी और ये बात अभी तक है कि इस तरह का कोई अटैक होने जा रहा था, और उसके फौरन बाद हम देखते हैं कि पहले तो वो जो मुल्ला हैं उनकी बहुत सारी वीडियोस आने लगी एक के बाद और उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ। आप समझते हैं कि क्या ये उस न्यूज को दबाने की कोशिश की गई है या ये कि नहीं वो अलग है और ये सब बातें अलग हुई हैं, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है मीडिया में कि किसी न्यूज को पीछे कर देने के लिए जो है वो आगे कई वाकयात कर दिए जाते हैं और उसमें जो है वो न्यूज कहीं गुम हो जाती है, लेकिन वो बिल्कुल पक्की खबर है कि अटक जेल में 14 जो है आर्मी के लोग उनको अरेस्ट करके रखा गया है, और साथ ही ये न्यूज भी थी कि वो बाजवा सबका वो तो आपको पता है कि अंदर ग्रुप्स बने होते हैं और ऐसा होता रहता है, लेकिन उसके फौरन बाद जो अजीब अजीब वीडियोज आई है एक के बाद एक साथ दो तीन नहीं आई है, एक की चलती रही 24 आवर्स, फिर अगले मुल्ला साहब की आई और उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ। देखिए, आप जो कहना चाहती हैं वो ये कहना चाहती हैं कि जो सो कॉल्ड बुलशिट नॉनसेंस स्टूपिड किस्म की प्रोपेगेंडा भारत से किया गया और कुछ लोगों ने यूरोप और अमेरिका और कनाडा से बैठ के किया, उसको जायल करने के लिए मौलवियों की वीडियो जो है वो रिलीज की, ठीक है। मतलब अब आप इमेजिन कर लें, आरजू पाकिस्तान ने पिछले 17-18 साल से इस दहशतगर्दी में जो जंग हुई वी फॉट, क्या आपको एक मिसाल ऐसी बता सकती है कि किसी एक पाकिस्तानी फौजी ने म्यूटनी की हो अगेंस्ट द आर्म फोर्सेस, किसी एक पाकिस्तानी ने अपने सीनियर को, एक, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ मैनी एग्जाम्पल्स, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ 10 हुई हैं या 6 हुई हैं, या मैं ये कहूं कि नहीं सिर्फ 3 ही तो हुई हैं, कोई एक वाक्य भी ऐसा मिल जाए कि किसी एक जूनियर सर्जेंट लांस नायक सिपाही किसी बंदे ने भी अपने से सीनियर को वायलेट किया हो या उसकी कमांड को डिसोबे किया हो, एक भी ऐसा वाक्य नहीं है। जबकि अमेरिका की हम आपको 10 मिसालें दे सकते हैं, अफगानिस्तान में 10 दे सकते हैं, इंडिया में जो फौजी वीडियो बना बना के अपनी भूख और नंग की तस्वीरें चलाते हैं वो हम अलहदा बता सकते हैं, एक भी मिसाल नहीं है। ये कल वो एक क्या नाम है उसका, वो यार एक अमजद शुएब मिर्जा आई थिंक UK में बैठे हुए हैं, तो मैं CNN न्यूज 18 पे बैठा हुआ था, मुझे कह रहे हैं कमर चीमा यू नो वेयर इज जनरल बाजवा, वेयर इज जनरल बाजवा, मैंने कहा किधर है भाई, सेंट्रल एशिया के गए हुए थे, अजरबैजान ये पता नहीं कहीं इधर कहीं इसी किसी मुल्क में गए हुए हैं, नहीं वो भागे हैं, वो जर्मनी भागे,
वो मुल्क छोड़ के निकल चुका जा चुके हैं यहाँ से। और मैंने कहा यार मुझे वाकई हंसने के लिए दिल करता है मेरा, मेरे दिल का, मैं आई लाइक मैं जोक्स बड़े पसंद करता हूँ। रात में जब सोता हूँ तो मैं नेटफ्लिक्स पे या कोई इधर उधर जो है ना कोई मजाया चीजें देख के सोता हूँ, चलो एंजॉय एंजॉय करो, दिन में भी इस तरह। लेकिन यार ये दिन दिहाड़े मेन स्ट्रीम टीवी पे बैठ के मजाक ना करो, आप लोगों की थोड़ी बहुत इज्जत कहीं ना कहीं तो है, जहां पे भी है टीवी की भी इज्जत है जिस टीवी पे बैठे हो। अनंत उनके एंकर थे, मैं उनको भी कह रहा था, मैंने कहा यार आपकी अच्छी वाली इज्जत है यार, इस तरह तो ना करो, अपने आप को भी बेइज्जत करा रहे हो। इन लोगों को तो चलो चार लोग ये प्रोपेगेंडा कर लेते हैं भाई। पाकिस्तान फौज की जो हायरार्की है और वहां पे जो निजाम है, वहां पे जो चीजें हैं, ये प्रोपेगेंडा है। और ऐसे ही में ये हो गया, वो ये हो गया, होता क्या। लेकिन सर, लेकिन सर एक सेकंड आपकी बात काट रही हूँ सर। यहाँ पे मुझे तो काफी जो हमसे भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनको माना जाता है, उन्होंने बताया कि 14 लोगों को जो है वो अटक जेल में बंद किया गया, चार्जेस अलबत्ता उनके डिस्क्लोज नहीं किए गए। तो फिर किस लिए बंद किया है आर्मी, अपने ही लोगों को क्यों बंद करेगी। देखे कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत कुछ होगा, इससे बगैर उसके तो कहते हैं ना कि कोई बात नहीं कर सकता, बिल्कुल हवा में कैसे आप तीर चला सकते हैं। लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हमारा आर्मी चीफ कहीं भाग जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन ये तो फौज के अंदर तो आप जानते हैं कि इस तरह के ग्रुप्स होते हैं और समटाइम्स एक दूसरे के ऊपर कोशिश करते हैं कि दूसरा नंबर ले जाए। देखें ये मैं अगेन कहूंगा, किसी बंदे ने ये रिपोर्ट नहीं किया, ये कहीं कोई खबर नहीं है, ये सोशल मीडिया की लोगों की अपनी ट्वीट्स हैं और उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। मुझे कोई पाकिस्तानी की खबर बता दें जिसने ये खबर दी हो। आपको स्वाय इंडियंस के भारतीयों के अलावा कोई और बंदा ये वीडियो ये ट्वीट करता नजर नहीं आएगा। अगर तो पाकिस्तानी किसी क्रेडिबल बंदे ने ये ट्वीट की है, कोई बात की है पाकिस्तान के अंदर से, तो फिर तो मैं कहूंगा हाँ भाई बड़ा कोई क्रेडिबल बंदा है, इस तरह की बात हुई। या कोई कोई पाकिस्तान से सोर्स बताए ना, ये इंडिया से इस तरह की सोर्स क्यों निकलते हैं ये कनाडा से। मैं आपको पाकिस्तानी सोर्स बताऊंगी शो के बाद, मैं आपको भेज दूंगी पाकिस्तान। चलें बता दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। मैं कोई फरिश्ता तो नहीं है, मुझे हर चीज का इल्म तो नहीं है। लेकिन वो कनाडा में क्या नाम है हमारा दोस्त, मेरे शो पे भी आते हैं सिद्दीकी साहब के, फाकी साहब, ठीक है, वो भी इस तरह की सुरसुरियां छोड़ते रहते हैं। ओ भाई वो जो कनाडा पे मेरे साथ आते हैं शो में आते हैं, तारिक फतेह साहब, नहीं कौन है वो जो मेरे नाम, अनीस फारूकी, अनीस फारूकी साहब, वो रुकी साहब भी है, मजे लेते रहते हैं, चस्के लेते रहते हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीजें वो जो है ना वो भी चलाते रहते हैं, ठीक है। रुकी साहब से लगते थे मैंने शो किया, बड़ी अच्छी हमारी गपशप हुई मेरे यूट्यूब पे, और बड़ा हमने बड़ा अच्छा मजाक भी किया, और बड़ी मैंने कहा बड़ी बात है कि आपकी और मेरी सोच मिल रही है इस दफा। अमूमन मेरी और आपकी सोच मिलती नहीं है, क्योंकि आप एनालिसिस जरूर करें, पर ये बेसलेस प्रोपेगेंडा, मतलब प्रोपेगेंडा जिसकी जिसकी जमीन ही कोई ना हो, जड़ ही कोई ना हो, वो भी प्रोपेगेंडा, और इस तरह के लोग कर देते हैं तो करने दे, क्या फर्क पड़ता है। मुझे इतना पता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ऑन विच वी आर प्राउड ऑफ, जिन्होंने इस मुल्क को सपोर्ट किया है जब दुश्मन हमारे साथ लड़ रहा था, जब इस मुल्क की आइडेंटिटी पे आंच आ रही थी, तो दे गेव देयर लाइव्स, वी आर प्राउड ऑफ दैट। अगर कोई उन पर बात करेगा, कोई बात करेगा, तो वो शुड मेक, जो कोई हमारी फौज पे बात करेगा तो हमें शट अप कॉल देनी चाहिए उन लोगों को, ताकि वो हमारे अधारों पे हिट ना करें। और ये प्रोपेगेंडा इंडिया से होता है, चार एक छह बंदे हैं वहां पे, 10 टोटल कर लें, जो ब्लेटेंटली जिनको ना आगे ना पीछे ना गल ना बा। देखिये फॉर मी, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी पर 10,000 तनकीद करता हूँ, बट आई ऑलवेज कॉल हिम प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकॉज ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, we need to respect him, I always call him PM Modi. सर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बाजवा साहब सबके फेवरेट हो, ऐसा नहीं हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सुने मेरी बात सुने, same is the case with the Indian Army Chief and Indian Chief of Defence Staff. मतलब they are responsible people, they represent their countries. हमें अपने analysis करते हुए, चीजें करते हुए, इतने below the belt किसी के बारे बात नहीं करनी चाहिए कि आपके ऊपर ही question mark लग जाए, आपकी आप क्या बोल रहे हैं, किस तरह का बोल रहे हैं, आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, खबरें देने की कोशिश कर रहे हैं। आप होता पता क्या है, जिस तरह सियासतदान होते हैं ना, आरजू मैं बताता हूं आपको, जिस तरह सियासतदान होते हैं ना, वो अवाम के अंदर अपनी वो दाएं बाजू की अप्रोच, राइट विंग अप्रोच की वजह से जिंदा रहना चाहते हैं।
इसी तरह कई एनालिस्ट भी होते हैं जो अवाम को फेक खबरें दे दे के वो जिंदा रह रहा है, और माजी में वो इस तरह का ट्रेंड, क्योंकि वो खबरें देने की वजह से वो रेलिवेंट होते हैं, तो देन पीपल आस्क देम टू कम अप विद द कुक्ड स्टोरीज, सो वो कुक्ड स्टोरीज आती रहती हैं। सो आप स्टोरीज बनाए ना, आप सिचुएशन के ऊपर एनालिसिस करें। स्टोरी बनाना, खबर बनाना एक और चीज है, एक खबर जो आई हुई है उसके ऊपर अच्छा बुरा जिस तरह भी आप एनालिसिस करें, आप लोगों को बताएं। मैं एक बात बताऊं, फ्रेंकली स्पीकिंग, आई हैव नेवर, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने किसी से कभी नहीं की, मेरे पास बहुत खबरें होती हैं, एक नहीं बहुत खबरें होती हैं, लेकिन मैंने कभी सोशल मीडिया पे आकर ट्विटर पे आकर नहीं चला दी जस्ट टू मेक माई सेल्फ रेलिवेंट, एंड आई स्वेयर अपॉन गॉड, मेरे पास बहुत खबरें होती हैं, मुझे पता होता है बैकडोर में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, क्या हो रहा है, लेकिन आई कीप देम टू एनालाइज, मैं उसको अपना अच्छा एनालिसिस कोशिश करने के लिए मैं रखता हूं। मैं खबरें देने के लिए और ट्विटर पे ट्वीट डाल दूं, मैं तो इतना ट्विटर यूज भी नहीं करता, या जो है ना बस अपने आप को वो करने के लिए मैनू लोग फॉलो करा, मेरे मेरे पीछे पीछे आ जाए, ये क्या यार, आप खबर दो और उस पर एनालिसिस कर लो भाई, ये क्या फजूल स्टूपिड हरकतें कर दी, आर्मी चीफ के खिलाफ ये हो गया, और भाई इधर तो कईयों ने क्या क्या बातें कर दी हुई हैं, ये प्रोपेगेंडा चलता रहेगा। और आरजू मैं एक चीज का डिफरेंस करना चाहता हूं, एंड आई वांट यू टू नो बाय व्यूअर्स, दो चीजें हैं, एक है स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड एक है गवर्नमेंट। आई कैन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट इज पॉलिटिशियंस, लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज दे आर गवर्नमेंट, but I will not let anyone to talk about my state. I love my state. मुझे इस state से identity मिली है, मुझे इस state ने पहचान दी है, मैं रियासत के खिलाफ कभी बात नहीं कर सकता, हाँ मैं government की policies उनको नहीं मैं छोड़ूंगा, because they have been represent, they are representative of the people of the country sir, and the grid. सर, स्टेट के खिलाफ कोई भी बात नहीं कर रहा होता, और अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो इसीलिए करता है ताकि उस चीज को ठीक किया जाए, क्योंकि अगर हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, अगर हम अपनी कंट्री को पसंद करते हैं, तो उसमें जो चीज गलत हो रही है हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, या कम अज कम पॉइंट आउट जरूर करेंगे, ताकि जो लोग जिनके हाथ में पावर है वो उस पावर को यूज करके उस सब चीज को ठीक करें। इसलिए नहीं कि वो जो भी कर रहे हैं हम उस पर, सिर्फ इसलिए कि जी वो हमारे इदारे हैं या वो हमारी गवर्नमेंट है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या कुछ भी हैं, हम उसके ऊपर हर चीज पे वावा शुरू कर दें, नहीं, अगर वो कुछ गलत करेंगे तो हम बोलेंगे, और उसके और इसीलिए बोलेंगे ताकि पाकिस्तान में हर चीज जो परफेक्ट हो, अगर परफेक्ट नहीं होगी तो इसी तरह FATF में हम फंसे रहेंगे जैसे अभी हैं। लेकिन अगेन मैं वही बात कहूंगी कि इसमें बाजवा साहब के अगेंस्ट कोई बात नहीं हो रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि फौज के अंदर इस तरह की बातें हो जाती हैं कि ग्रुप्स बन जाते हैं, लेकिन ये चीज अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल ये कंफर्म है कि 14 लोगों को अटक जेल में रखा गया है, चार्जेस पता नहीं लगे वो क्या है, और बिल्कुल जैसे कहते हैं कि सीनियर जर्नलिस्ट और रिलायबल सोर्सेस से पता लगा है, ऐसा नहीं किसी इंडियन ने बता दिया या किसी अमेरिकन ने बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं, और मुझे ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि फॉरेन पॉलिसी हमारी कैसी चल रही है, और अक्टूबर में क्या फ्यूचर लग रहा है आपको FATF में? देखिए अभी तो मेरा ख्याल है, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस, मुझे नहीं पता कि लेटेस्ट FATF में क्या हुआ है, मेरा ये चल तो रहा था, मेरे सामने टीवी का है, I couldn't watch news for few hours. तो लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है अर्जु साहबा, कि पाकिस्तान has done enough for to come out of FATF. बहुत काम किए हैं, काफी चीजें तो वो मान गए थे, जो तीन पॉइंट्स रह गए थे वो कोई इतने बड़े पॉइंट्स नहीं है कि जिसको बेस पे रख के हमें वो टारगेट किया जाए या मजीद लिंगर ऑन किया जाए। वो जो केसेस हैं उनमें ये UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के अलावा, और वो भी क्योंकि केसेस चल रहे हैं UN सिक्योरिटी को एक पॉइंट के अलावा, बाकी जो दो पॉइंट हैं वो प्रोसिक्यूशन के केसेस हैं कि जी जल्दी स्पीडली प्रोसिक्यूट करें, तो वो तो ऑब्वियसली कोर्ट्स पे होता है, चीजें चलती रहती हैं, हर मुल्क में दहशतगर्द पकड़े गए हैं, केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स के अंदर, तो वो तो है। तो बाकी मेरा ख्याल है चीजें बेहतर हो गई हैं, आई फाइंड की चीजें, और वी आर नॉट गोइंग इन ब्लैक, वी विल स्टे इन ग्रे मे बी, और वी विल कम आउट ऑफ ग्रे। सो लेकिन जिस तरह अमरीका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ रही है आइंदा कुछ दिनों में या आइंदा कुछ महीनों में, तो आप देखिएगा कि शायद देर इज अ प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान निकल आए ग्रे लिस्ट से, और इन्होंने काफी ज्यादा बातचीत भी की होगी ऑब्वियसली उनसे, तो आप उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह अगले कुछ अरसे में हम FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ
अपना घर ठीक करने की बहुत अच्छा जरूरत है। और जब मैं ये शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे लोगों को देखता हूँ, ये कंफ्यूज लोगों को देखता हूँ, तो मुझे परेशानी होती है कि मैं ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ये उसामा बिन लादन वो अलकायदा जिसने हमारे फौजियों को शहीद किया, जिसने हमारे पुलिस वालों को, हमारे सिटीजन्स को शहीद किया, अगर वो भी दहशतगर्द नहीं है तो फिर कौन दहशतगर्द है? इस तरह के जब आप कंफ्यूज सिग्नल्स देंगे तो फिर लोग तो आप सवाल उठाएंगे, क्वेश्चन मार्क तो लगेगा, बातें तो होंगी, तो लेकिन इन लोगों की अपनी सियासी मजबूरियों की सजा रियासत पाकिस्तान को नहीं देनी चाहिए। तो वो तो सर लास्ट में मैं यही आपसे पूछना चाहूंगी कि वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अजीब किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं, अभी जो रिसेंटली उन्होंने वो रोबोट वाली बात की है, तो अब मुझे नहीं पता कि आप रोबोट हैं या नहीं, लेकिन ये कि वो इस तरह की एक हेड ऑफ स्टेट अगर इस तरह के स्टेटमेंट देगा तो क्या इंप्रेशन पड़ता है पूरे दुनिया में? देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली बीइंग हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये मैं एक बात बताऊं आजू, मैं ये समझता हूँ इनके अंदर मौलवी फंसे हुए हैं, इनके अंदर मौलवी हैं लिटरली, ये इन्होंने अपने आप को फाइन ट्यून करके ना ये टीवी पे आ गए हैं, समाशरे में, ये हुकूमतों में आ गए, लेकिन इनके अंदर 10-10 मौलवी हैं एक एक बंदे के अंदर, और ये लोग इतने मजबूर हैं आरजू, आप सोच नहीं, देखिए हम इनकी जगह पे नहीं है ना तो शायद हमें वो चीजें नहीं करनी पड़ी, लेकिन क्लैरिटी ऑफ माइंड तो होनी चाहिए। आप अपनी सियासत कर रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ माइंड इंसानियत भी किसी चीज का नाम है, और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वैल्यूज भी किसी चीज का नाम है यार, आपकी सियासत क्या यार, आप हार जाओगे तो क्या होगा? लेकिन वो उन्होंने कहते हैं हमने इलेक्शन जीतना ही जीतना है, जो मर जाए हमने इलेक्शन जीतना है, पावे उसामा बिन लादन को टिकट देनी पड़ जाए इलेक्शन लड़ने वास्ते। सो आई थिंक दे नीड अ क्लैरिटी, इनके अंदर ये जो मौलवी फंसे हुए हैं, और वजीर आजम खान साहब हमारे पूरी जिंदगी याशियां कर करके आके आखिर में मौलवी बन गए, हाथ में उन्होंने वो तस्बीह पकड़ी होती है यार, ये कसम से आई थॉट प्राइम मिनिस्टर इज अ वेरी रीजनेबल मैन, फ्रेंकली स्पीकिंग आई मस्ट एडमिट इट, मैं इनको बहुत रीजनेबल आदमी समझता था, और लेकिन ही प्रूव टू बी अदरवाइज, एंड मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हिम, नॉट बिकॉज इकोनॉमी नहीं चल रही, कोई फर्क नहीं पड़ता इकोनॉमी नहीं चल रही, चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी, बट द लाइन लेंथ एंड आप जो चीजें सोच रहे हैं यार, आप जिस तरह काम कर रहे हैं, द नेशन नीड्स क्लैरिटी, बट दे कंफ्यूज पीपल, ये लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, हमारी आगे पेट्रियॉटिकल सोसाइटी है, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, आप इस तरह की बातें करेंगे कि वो जी वो अब वो, मैंने आज वो ट्विटर पे एक छोटी सी वीडियो आरजू लगाई है कि वो एक खातून जा रही है तो एक बंदा आया तो उसने वो उसका दुपट्टा या बैग खींचने की कोशिश की, बैग खींच रहा था हम, अब ये मर्द होगा ना तो उसका कोई नहीं खींचेगा इस तरह चीज, वो उसके पास जाएगा गंद खाएगा उसको, ठीक है गंद से डराएगा, लेकिन औरत तो उसको पता है झटका मारूंगा तो गिर जाएगी। So this is एक इंसान के दिमाग में है कि वो पावरफुल है औरत से ज्यादा। So ये बेसिकली मर्द जब औरत से डिसरिस्पेक्ट करता है ना तो वो अपनी ये जो मैनली पावर है ना इसको मिसयूज समझता है कि भाई ये मैं क्योंकि औरत से ताकतवर हूं तो मैं जो मर्जी कर सकता हूँ उसके साथ। So ये इस तरह जो है वो जो उस लड़के ने भी उसमें किया है वो भी इसी तरह ही है कि वो समझता है यार औरत क्या है, इसके है, इसको धक्का मारूंगा गिर जाएगी, मैं जो मर्जी से छीन लूं, जैसे मर्जी से ले जाऊं। आई थिंक दिस इज व्हाट, अब उसने खातून ने बुरके पहने हुए हैं बेचारी ने, उसको तो उसकी तो डिसरिस्पेक्ट ना करो यार, ठीक है, मतलब आपने किसी को बैग को हाथ लगा लिया, किसी के जिस्म को हाथ लगा लिया, एक ही बात है, हु नोज व्हाट वाज योर इंटेंशन, बैग या पैसे या किसी और चीज को, तो मतलब ये तो ये है, ये दिमाग वो जमैमा की मैं ट्वीट देख रहा था थोड़े दिन पहले ना, तो उसने जब इमरान खान ने पहले भी बात की ना तो उसने कहा कि मैं उस इमरान खान को जानती हूँ जो ये कहता था कि औरत को बुर्का नहीं पहनना चाहिए, मर्द की आंखों पे पट्टी डालनी चाहिए, ठीक है। तो आज इमरान खान इलेक्शन लड़ रहा है मैडम, आज इमरान खान इलेक्शन लड़ रहा है, उसे पता है मेरा सारा केपी जो है वो दाएं बाजू कंजर्वेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो मुझे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैटर करना है, ना कि अब वो प्ले बॉय तो नहीं रहे, ना उस तरह के हीरो रहे हैं जो उस वक्त जमैमा को इंप्रेस करना चाह रहे थे। बिल्कुल, लेकिन सर लास्ट में मैं यही कहूंगी कि इमरान खान भी ये बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक औरत जो सात पर्दों में बैठी हुई थी और उसके साथ अफेयर चला के डिवोर्स करा के शादी कर ली, तो वो तो फिर अगर अफेयर होना ही हो तो फिर वो तो सात पर्दों में भी हो जाता है, तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि ड्रेस से कोई फर्क पड़ता नहीं है,
मेरे ख्याल उनको ये चीज उनको सूट नहीं करती, प्राइम मिनिस्टर को ये बात सूट नहीं करती। आई डोंट बाय दिस थ्योरी कि उन्होंने सात पर्दों में खातून को डिवोर्स करा ली और सारा। आई बाय इमरान खान पर्सनली कि दिस इज नॉट द वे जो हुआ, जो मुआशरे जो लोग कह रहे हैं वो इस तरह नहीं है। आई डोंट बाय दिस जनरल पब्लिक थ्योरी, बट आई बाय व्हाट इमरान खान सेज बिकॉज दिस इज पर्सनल लाइफ एंड द लेडी इज हिज वाइफ, सो आई वोंट कमेंट ऑन दैट। हाँ, लेकिन सबकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन उन्होंने जब जिस तरह से बात की है लेडीज के लिए तो उन लेडीज को भी बुरा लगा है, क्योंकि हर एक की अपनी लाइफ है और वो यानी उसके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं जिसका रेप होता है, वो उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि जी इन्होंने ड्रेस ऐसा पहना था। तो ये भी एक पर्सनल अटैक है जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। अगर वो ऐसी बात करेंगे तो उनको अपनी तरफ जैसे कहना चाहिए कि रिप्लाई के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि फिर आगे से लेडीज उन्हें कोई बात भी कर सकती हैं। और यहाँ पर तो आप जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप होते हैं, तो उन्होंने कौन सा ऐसा ड्रेस पहना होता है, और वो भी मतलब जैसे हम कहते हैं पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर हमारा हम समझते थे, और उनकी तरफ से अगर ऐसी बात आएगी तो मेरा ख्याल है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेरा नहीं ख्याल किसी को अपने बच्चों को भेजना चाहिए अगर वो इस माइंड सेट के साथ वापस आ रहे। तो थैंक यू सो मच हिमा साहब कि आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू।